हेलो गाइस, तो आज हम आपको फ़ोटो एडिट सिखाएंगे, सिंपल फ़ोटो एडिट। तो चलो हम चलते हैं पिक्स आर्ट में बिना टाइम वेस्ट किए। पहले ये प्लस का निशान दबाने से ये ऑल फ़ोटो में जाके फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, जो हमें फ़ोटो एडिट करनी है वो फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। जैसे कि इस जैसे कोई फ़ोटो आप ले लेना और इसको कट कर लेना, जितनी अपन को चाहिए उतनी रख लेनी है। पहले इसको कट कर लेते हैं टूल्स में जाके, और फिर हम हेयर का PNG लगाएंगे। जैसे कि हेयर मेरे थोड़े छोटे हैं ना, तो इस फ़ोटो में हेयर का PNG लगाएंगे। ये आपको गूगल से मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना वहाँ से। तो इसको जैसे इस पे सेट कर सके एकदम अच्छे से, वैसे सेट कर लेना, और जो बचा हिस्सा है उसको इरेज कर देंगे, इरेजर से इरेज कर देंगे अच्छे से, जैसे पता ना चले कि हेयर ऐसे अलग से लगाए हुए हैं क्या। तो हेयर को अच्छे से, और गाइस साथ फिर हम इस पे सन लगाएंगे। जैसे कि ये सन अपने हिसाब से देख लेना, कोई भी अच्छा लगे। जैसे कि मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला लगा रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे वही लगा लेना, और साइड देख लेना, जहाँ से ज़्यादा अच्छा लगे वहाँ पे लगा लेना। फिर अच्छे से फोटो ये सन को अच्छे से लगा लेना है। फिर इसको सेट होने पे फिर चलते हैं हम फिल्टर में। इसके अंदर अपने जैसे पिंपल्स है ना थोड़ी चेहरे पे, तो उसको ब्लर में जाके ब्लर पे, क्योंकि बुर्ज को अपने हिसाब से ऐसे स्मूथली सेट करके फिर चेहरे को थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। इस बुर्ज को अपने हिसाब से सेट कर लेना, फिर चेहरे को थोड़ा जैसे कि स्मूथ, जैसे कि पिंपल्स वगैरह नहीं दिखेंगे। उसको जूम करके एकदम अच्छे से आराम से हल्का हल्का फिर लगा लेंगे, जिससे चेहरा एकदम स्मूथ दिखेगा। और गाइज, आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। अब इसको ये तो हो गई है, अब हम कर लेते हैं सेव फ़ोटो को। गैलरी में फिर चलते हैं लाइट रूम में हम कलर की रीडिंग करेंगे। लाइट रूम आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। फिर फ़ोटो ऐड कर लेंगे, फ़ोटो ऐड जो अभी हमने फ़ोटो बनाई उसको ऐड कर लेंगे लाइट रूम में। फिर ऑल फ़ोटो में जाके फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसकी लाइट पहले लाइट का ऐसे जैसे कि ज़्यादा बड़ा करना है वो अपने हिसाब से कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट को भी थोड़ा कम कर लेते हैं, शेडो को थोड़ा बढ़ा लेते हैं शेडो को, वाइटपन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और सभी को थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ा लेना। खाली हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर लेना, और फिर कलर्स में जाके इसमें चेहरे का कलर है ना, जैसे कि ऑरेंज कलर में जाके नीचे वाली जो लाइन है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेनी है, ताकि चेहरे का कलर वाइट हो जाए। और पीछे जैसे कि पेड़ है हरे कलर, जिस कलर का जो भी चीज़ को अपन को अलग कलर करना है उस पर क्लिक करके कलर सेट कर सकते हैं। जैसे ग्रीन कलर को अभी थोड़ा मैंने गहरा कर लिया है, जिससे थोड़ा गहरा दिखेगा और अच्छा लगेगा। और अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सेट करके देख लेना, जो जैसे कलर में अच्छा लगे फ़ोटो वैसे ही सेट कर लेनी है। तो गाइज, मैं अभी सिंपल फ़ोटो बनानी सिखा रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं आपको अच्छी एडिटिंग, अलग टाइप की एडिटिंग सिखाऊंगा। और अभी इस फ़ोटो को थोड़ा सा जैसे कि पीछे से बादल हो रहा है ना, उसको भी थोड़ा गहरा कर लेते हैं, जिससे अलग टाइप का इफेक्ट दिखेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे तो बहुत इजी है फ़ोटो बनाना, कोई हार्ड नहीं है। और लाइट रूम में सिर्फ कलर रीडिंग होती है, अगर PNG वगैरह लगाना है वो पिक्स आर्ट से ही लगा सकते हैं। तो लाइट रूम में अपन नॉर्मल फ़ोटो की भी कलर रीडिंग कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छी फ़ोटो एडिट हो सकती है।
फिर ये सेट हो गया। फिर हम शेडो जैसे कि थोड़ा शेडो में और ब्लैक और क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए इसमें आते हैं। फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे विंटर को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। विंटर को थोड़ा सा कम करेंगे जिससे साइडों में ऐसे ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगे, जिससे फ़ोटो और भी ज़्यादा अच्छी और सुंदर लगने लगेगी। तो गाइज ये हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है पूरी, और इसी टाइप की फ़ोटो एडिट करने के लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं और फ़ोटो लाता रहूँगा। आगे जाके हम बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो लाएंगे। ये तो सिंपल फ़ोटो एडिट करनी सिखाई है मैंने, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि मैंने अभी नया चैनल बनाया है। ये देखिए अपनी फ़ोटो एडिट हो चुकी है, फ़ोटो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ओके ठीक है, अपना ध्यान रखना गाइज, बाय। इसको कर लेता हूँ मोबाइल में सेव के।